के अंदर हरियाणा के नज़दीक में हिसार में एक 8 साल की बच्ची को साथ दुष्कर्म करके उसको जिंदा जला दिया गया। फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। आज अंकिता की माँ यहाँ पर बैठ के आंसू बहा रही थी। तो ऐसा ना हो, इस देश के अंदर कोई भी माँ जंतर मंतर पर बैठ के अपनी बेटी के लिए आंसू ना बहाए। मतलब ये दृश्य देखना शायद बहुत ही भयानक है, क्योंकि हमारी सरकारें आज महिला विरोधी सरकारें हैं। महिलाओं पर विरोध, जो क्राइम हो रहा है, उन क्राइम करने वाले लोगों को ये लोग बचा रहे हैं। जैसे कि देखा गया कि ये जो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, 11 अपराधी जो थे, उन लोगों को छोड़ दिया गया ये कहकर कि वो बहुत ही संस्कारी हैं। लेकिन तो मतलब ये कोई बलात्कारी भी संस्कारी हो सकता है, महिलाएं सांसद हैं, लेकिन उन महिलाओं से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो सरकार की जो है वो एक तरीके से पुर्जे की तरह काम कर रही है। वो महिलाएं देश की महिलाओं का जो समस्याएं हैं उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ सरकारी महिलाएं बन के रह गई हैं। आज का ये हमारा ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया था, पार्लियामेंट मार्च रखा गया था। ये जो तमाम तरीके की जो महिलाओं पर जो अपराध घटित हो रहे हैं, दूसरा महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके अलावा आप देख रहे हो कि आज हिसार के अंदर हरियाणा के नज़दीक में हिसार में एक 8 साल की बच्ची को साथ दुष्कर्म करके उसको जिंदा जला दिया गया। फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है। आज अंकिता की माँ यहाँ पर बैठ के आंसू बहा रही थी। तो ऐसा ना हो, इस देश के अंदर कोई भी माँ जंतर मंतर पर बैठ के अपनी बेटी के लिए आंसू ना बहाए। मतलब ये दृश्य देखना शायद बहुत ही भयानक है, कोई देख नहीं सकता है इसको। जो भी दिल रखता है अपने शरीर में, किसी का भी अगर दिल है, तो ये सीन देखना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम मजबूर हो रहे हैं आज देखने के लिए, क्योंकि हमारी सरकारें आज महिला विरोधी सरकारें हैं। महिलाओं पर विरोध, जो क्राइम हो रहा है, उन क्राइम करने वाले लोगों को ये लोग बचा रहे हैं। जैसे कि देखा गया कि ये जो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे, 11 अपराधी जो थे, उन लोगों को छोड़ दिया गया ये कहकर कि वो बहुत ही संस्कारी हैं। लेकिन तो मतलब ये कोई बलात्कारी भी संस्कारी हो सकता है, ऐसा कोई भी मतलब सोच नहीं सकता, लेकिन ये सरकार ऐसी परिभाषाएं दे रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर विरोध करने आए हैं कि आज यहाँ पर संसद चल रही थी अभी कुछ दिन पहले ही, अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि संसद का सत्र बुलाया जाए, उस पर चर्चा की जाए कि महिलाओं पर जो क्राइम हो रहे हैं इनको कैसे रोका जाएगा। आज सबसे बड़ी देश के सामने जो एक चुनौती है वो यही है कि आज छोटी बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। एक संसद में चर्चा करने की कैसे अपराध को रोका जाए, इसकी बजाय आज आप देख रहे हो कि जो चीज़ें महिलाओं पर अपराधों को बढ़ावा दे रही हैं, शराबखोरी है, नशाखोरी है, अश्लीलता है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम इसका विरोध। आपने संसद सत्र की बात की है कि संसद में सत्र बुलाना चाहिए, पर काफी महिलाएं भी सांसद हैं, वो क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज? देखिए, जो महिलाएं हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, महिलाएं सांसद हैं, लेकिन उन महिलाओं से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो सरकार की जो है वो एक तरीके से पुर्जे की तरह काम कर रही है। वो महिलाएं, देश की महिलाओं का जो समस्याएं हैं उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ सरकारी महिलाएं बन के रह गई हैं आज। इसीलिए वो हमारे आदर्श नहीं है, वो कुछ नहीं कर रही हैं, इसीलिए हमें दुख हो रहा है, हमें दुख भी नहीं हो रहा है। लेकिन हमारी आदर्श जो महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, ज्योतिबा, ये सावित्रीबाई फूले हैं, हमारे देश में और बहुत सारी महिलाएं हुई हैं, प्रीतिलता वादेदार हुई हैं जिन्होंने हमारे देश के आज़ादी के लिए कुर्बानी की है, दुर्गा भाभी हुई हैं, तो ये महिलाएं हमारी आदर्श हैं, हमें इनको देखना है। जो महिलाएं आज सांसद बन के बैठी हुई हैं, हमारी आदर्श वो नहीं है, हमें उनको नहीं देखना है, क्योंकि उन लोगों को तो समस्याओं से, अगर वो उनको समस्याओं से सरोकार होता तो वो यहाँ होती। वो आज ये जो महिलाएं आज जंतर मंतर पर संसद पर अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों के विरोध में आवाज़ उठाने आई हैं, अगर वो सचमुच में ही जनता की प्रतिनिधि होती तो उनको यहाँ होना चाहिए था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कोई सरकार का नुमाइंदा, आज पूरी सरकार ही जो है वो इन तमाम समस्याओं से जो है वो एकदम
असंवेदनशील हो चुकी है, उनका कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो आंकड़े आए हैं महिलाओं को लेकर के 39,000 से लगभग ज़्यादा जो हिंसा के मामले महिलाओं पर होते हैं, जो पब्लिकली हो या घरेलू हिंसा के मामले। जी जी जी, ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि घरेलू हिंसा हो चाहे बलात्कार के मामले हो, इन सब में एक बहुत ही अध्ययन आ चुके हैं कि 95% जो इजाफा हुआ है वो शराब के कारण, नशे के कारण हुआ है महिलाओं में अपराध के। लेकिन आज आप देखो दिल्ली सरकार एक शराब जो है फ्री में बांट रही है, इसी तरीके से केंद्र की जो शराब नीति है वो जो उसका भी हम लोग विरोध करते हैं, और सरकारें कहती हैं कि शराब से सरकार को फ़ायदा होता है। तो भाई वो फ़ायदा आप जो अडानी अंबानी का 11 लाख करोड़ रुपया आपने जो माफ़ किया है, आप वो क्यों माफ़ कर रहे हैं? उनको किस चीज़ की कमी है? आप उससे उस अपने खजाने को भरिए ना। ये 50% देश की आबादी की सुरक्षा को हाशिए पे रखकर आप अपना खजाने को भर रहे हैं, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश की सरकार नहीं ऐसा कर सकती है। जिस तरह से सरकार दावे करती है महिला को पावरफुल बनाने की बात करती है और सारे दावे करती है कि महिलाओं को आगे बढ़ावा, एक तरफ ये आंकड़े, तो सरकार क्या इस मामले में? देखिए आज कोई भी सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण जो का उनका कोई भी मुद्दा नहीं है, चाहे वो किसी की राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कोई सरकार आज महिलाओं की सुरक्षा के मामले में कोई भी विचार नहीं कर रही है। ये सिर्फ महिला जो मुद्दे, ये जो लोग जो स्लोगन देते हैं कि जहाँ हुआ बहुत हुआ महिलाओं पर वार अब की बार, ये सरकार हमें चाहिए, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये सब चुनावी वायदे हैं इनके, ये सब चुनावी बातें हैं। इन अगर इनको सचमुच में ही महिलाओं से लेना देना होता तो ये संसद में वो पॉलिसीज लाते जिनसे कि महिलाओं पर अपराध रुकते। आज निर्भया को के कांड को आज 2012 से लेकर 2023 आ गया है ना, आज 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए अभी तक भी जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। तो सचमुच में अगर सरकारें संवेदनशील होती महिलाओं के प्रति तो जस्टिस वर्मा की सिफारिशों को लागू करते, कुछ ऐसे सख्त कदम उठाते कि महिलाओं पर जो अपराध करने वाले हैं वो डरते। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, अपराधियों को खुला छूट दी जा रही है, तो कैसे? उन्नाव में आप देख लीजिए क्या हुआ, कुल हाथरस में क्या हुआ है ना, बिल्किस बानो के अपराधियों के साथ क्या हुआ। तो महिलाओं के लिए जो नारे हैं वो अलग हैं, प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि हमारी संस्कृति है महिलाओं का सम्मान करना, तो ये कहने की बातें हैं, असल सच्चाई ये है कि ये जो हमारी आज संस्कृति है ये पुरुष प्रधान संस्कृति है और इसी को ये सरकार पालित पोषित कर रही है। पुरुष प्रधान मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, और सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक ही नहीं उनको एक उपभोग की वस्तु के रूप में प्रसारित किया जा रहा है, इसीलिए सिर्फ वो एक ऑब्जेक्ट बनकर रह गई हैं। इस कारण से ऐसा हो रहा है कि आज महिलाएं जो है वो 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं। ये चीज़ें रुकेंगी कैसे? क्या महिलाओं का जो सत्ता में है भागीदारी कम है, 50-50 की बात होती है, अभी तो देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। देखिए ये कोई सरकार इनको नहीं रोक सकती, रोक सकते हैं सिर्फ हम देश की जनता, देश की महिलाएं। जब हम संगठित होंगे, एक देश भर में सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चलेगा पूरे देश भर में। आप देखिए ना हमारे सामने कितने बड़े बड़े वो हैं, एग्जाम्पल्स हैं। आपने शाहीन बाग आंदोलन देखा, किसी महिला के साथ कोई क्राइम नहीं हुआ? क्या वहाँ पर पुरुष नहीं थे? क्या वहाँ महिलाएं नहीं थी? रात रात भर आंदोलन चलता था लेकिन सारी महिलाएं सुरक्षित थी वहाँ पर, किसी महिला के साथ कोई घटना नहीं घटी। 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला, किसी महिला के साथ ऐसे आपराधिक घटना जो है वो नहीं घटी। तो आंदोलन जो है वो जब हमारा समाज एक सामाजिक समस्या को लेकर जब हम संगठित होते हैं उसमें हमारी संस्कृति में भी परिवर्तन आता है। तो आज एक उन्नत संस्कृति की ज़रूरत है, उन्नत नैतिकता की ज़रूरत है, उसके लिए पूरे समाज में छात्र, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, इन सब को लेकर एक
आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ। और ये जो आज अडानी अंबानी जो खून चूस रहे हैं हमारे देश की जनता का, ये जो इनके जेबों में जो पैसा जा रहा है, इसके खिलाफ आज आंदोलन की जरूरत है। ये आंदोलन जो है, जब इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और जब हम एक ऐसी जनता की सरकार लेकर आएंगे जिसमें किसी के प्रति किसी का भी शोषण नहीं होगा, ना ही तो एक पुरुष के द्वारा महिला का शोषण होगा, ना ही अमीर के द्वारा गरीब का शोषण होगा, ना ही एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति का शोषण होगा एक स्वर्ण जाति के व्यक्ति के द्वारा, तभी हम बच सकते हैं। एक आंदोलन की जरूरत। मेरा लास्ट सवाल है, बजट पेश हुआ है, मैं उस बजट को जो महिलाओं के लिए कोटा रखा गया उसको कैसे आप देखते हैं? कोई कोटा ही नहीं है महिलाओं के लिए, सिर्फ धुंधला है सब कुछ। ये सिर्फ बोलने का है, सिर्फ वोट का है, ये कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं दिया गया इस बजट में, ये सिर्फ दिखावा है। और इसमें इस बजट के इन लोगों को पास असल में जनता के को देने के लिए कुछ है ही नहीं। पर उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो तो काफी योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारी योजनाएं जो है वो लेकर आएंगे, लेकिन हम कहते हैं योजना सिर्फ एक ही है, वो है इस देश की महिलाओं को सुरक्षा देना। सबसे बड़ी योजना जो है वो आप लागू करिए, और सुरक्षा तभी मिल सकेगी जब आप रोजगार देंगे। किसी को कंबल बांटने से और किसी को जो है वो खाना बांट देने से कुछ भी नहीं होगा। आप रोजगार दीजिए, जो न्यूनतम आवश्यकता है आज हर महिला का, के को आप रोजगार दीजिए, तभी इन सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। महिलाओं को क्या कहना चाहिए? महिलाओं को आज हम इस मंच के माध्यम से, हमारे संगठन के मंच के माध्यम से यही मैसेज देना चाहते हैं कि आज महिलाओं को संगठित होने की ज़रूरत है। एक सही विचार, एक सही संगठन के तहत महिलाओं को संगठित होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक एक करके हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर महिलाएं ये सोचें कि खाली महिलाएं लड़ लड़के हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगी, नहीं, हमें इस देश के तमाम छात्र, मजदूर, नौजवान, किसानों की समस्याओं के साथ लड़ना होगा कंधे से कंधा मिलाकर, तभी महिलाओं की समस्याएं भी सॉल्व हो सकती हैं, अलग से नहीं हो सकती। हम नारीवादी नहीं हैं कि हम नारियों का ही आंदोलन चलता रहेगा और नारियां जो हैं वो पुरुषों के खिलाफ लड़ेंगी, नहीं। आज लड़ने की ज़रूरत है, महिला और पुरुष दोनों को मिलकर इस ये जो शोषणकारी जो व्यवस्था है, जो खून चूस रहे हैं पूंजीपति वर्ग हमारा, आज उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जिसमें सबको इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तभी हम महिलाएं अपना अधिकार जो है वो ले सकते हैं। बहुत बहुत